हेलो गाइस, सो हम सभी लोग चाय या कॉफ़ी का सेवन या तो सुबह में, या तो दोपहर में जब नींद आ रही हो, या तो जब क्या एग्ज़ाम का टाइम हो तब, या तो क्या जब क्या मेंटली हम वो टायर्ड हो चुके हो तब हम पीते हैं चाय। पर यही जो चाय और कॉफ़ी है तो उसको जब हम हद से ज़्यादा पीते तो क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट होगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने मिलकर गाइडलाइंस जाहिर किया है, जिसमें उसमें हम लोग ने रिकमेंड किया है कि डेली कैफीन का इंटेक कितना 300 mg पर डे ही होना चाहिए। मतलब ये कैफीन क्या है, ये कैफीन है ना एक ऐसा सब्सटेंस है जो चाय और कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है। तो मान लीजिए अगर आप एक कप कॉफ़ी पी रहे हो तो उसमें कैफीन कितना प्रेजेंट है, 80 to 120 mg। अगर आप एक कप चाय पी रहे हो तो उसमें क्या कितना 40 to 60 mg जितना कैफीन प्रेजेंट है। सो जब आप खाना खाते हो तो खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, जहाँ पे क्या सब एसेंशियल मिनरल्स विटामिन्स का अब्सॉर्प्शन होता है। सो खाना खाने के बाद अगर आप तुरंत ही अब चाय या तो कॉफ़ी पी लेते हो तो क्या ये कॉफ़ी में क्या कैफीन होता है, उसमें क्या एक टैनिन करके एक सब्सटेंट होता है, वो किसके साथ आयरन जो आता है जो हमारे फूड में, तो आयरन के साथ वो बाइंड हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है हमारे जो स्टमक में से क्या अब्सॉर्प्शन आयरन का जो होना चाहिए वो होता नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमको क्या ब्लड जो RBC जो बनते वो कम बनने लग जाते हैं, इस वजह से हमको क्या एनीमिया हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और इरेग्युलर कार्डियक एक्टिविटीज हो सकती है। तो गाइस अगर आप भी ब्रेकफास्ट के साथ या तो खाना खाने के बाद अगर आपका प्रैक्टिस है एक चाय पीने या कॉफ़ी पीने की तो तुरंत ही बंद कर दीजिए, और कम से कम आप एक घंटे बाद, खाने के एक घंटे बाद कॉफ़ी का या तो चाय का सेवन कीजिए।